हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फूड सब। आज हम बनाएंगे घर पे ही इमली की चटनी बहुत ही आसानी से, जो किसी भी चाट या समोसे के साथ बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे मैंने लिया है पका हुआ इमली 250 ग्राम्स और कुछ कुटे हुए मसाले जिनको मैंने ड्राई रोस्ट करके दरदरा सा कूट लिया है। तो सबसे पहले वहाँ पे है चिली फ्लेक्स, फिर है धनिया के बीज, जीरा और सौंफ। सारे मसाले जो है वो मैंने एक टेबल चम्मच के हिसाब से लिया है। एक टेबल चम्मच नॉर्मल नमक, एक टेबल चम्मच काला नमक और 3 कप के करीब चीनी। चीनी कम ज़्यादा लग सकता है। यहाँ पे मैंने इमली को पानी में अच्छे से उबाल कर उसका पल्प निकाल लिया है। तो चलिए चटनी को तैयार करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है कढ़ाई, जिस पे मैंने 1 टेबलस्पून के करीब सरसों का तेल अच्छी तरीके से स्मोक कर लिया है। और अब हम इसमें तड़का लगाएंगे। तो सबसे पहले तड़का लगाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून के करीब सौंफ डाला है और 2 सूखे लाल मिर्च। इसे अच्छी तरीके से 30 सेकंड के लिए हम भून लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे हमारा जो इमली का पल्प था उसे। फिकर मत कीजिए, अगर आपको पल्प निकालने के लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ी है तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये पानी हम वैसे भी ड्राई कर लेंगे। अब इसमें उबाल आते ही मैं इसमें डाल दूंगी चीनी। अब चीनी को डालते ही मैंने फ्लेम को जो है मीडियम लो कर दिया है और अच्छे से चीनी को इसमें घुलने देंगे। चीनी के घुलते ही अब हम इसमें डाल देंगे हमारे दोनों ही नमक और अच्छी तरह से इन सबको हम मिला लेंगे। अब हम आधी आधी चम्मच सारे ड्राई रोस्टेड मसाले इसमें डालेंगे, सिवाय हमारे कुटे हुए लाल मिर्च के। इन सब चीज़ों को हम तब तक पकाएंगे जब तक जो है हमारा चटनी का जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ा सा गाढ़ा ना हो जाए। हमें इसे ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना है, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये खुद से ही बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है। तो ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है आपको इसे कैसी कंसिस्टेंसी रखनी है। तो यहाँ पे अब हमारी चटनी काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है और मैं गैस को ऑफ करने ही वाली हूँ। तो उससे पहले हमारे जितने भी बचे हुए रोस्टेड मसाले थे उन सबको मैं एक एक करके डाल दूंगी। इनको डालते ही जस्ट 1 मिनट के लिए इसे ऐसे ही चलाने के बाद मैं गैस को ऑफ कर दूंगी और इसे ठंडा होने के लिए एक बर्तन में निकाल लूंगी। ये हमारा चटनी तैयार है। ये आपको अभी थोड़ी पतली दिख रही होगी, लेकिन जैसे ये ठंडा हो जाएगा ये काफी गाढ़ा हो जाएगा। इसे आप ठंडा होने के लिए कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए ऐसे छोड़ दें। ठंडा होते ही इसे हम किसी एयर टाइट जार में अच्छे से बंद करके फ्रिज में 4 से 5 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं। इस चटनी को आप किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, जैसे मैंने इसे दही वड़े के लिए बनाया था, लेकिन ये समोसे, पकौड़े, कोई भी चाट हो उसके साथ ये बहुत ही बढ़िया लगता है। और सबसे अच्छी बात ये है इसे हम काफ़ी दिन तक स्टोर कर सकते हैं। तो गाइज, आपको ये चटनी की रेसिपी कैसी लगी? और मुझे लगता है ये काफ़ी आसान है इस चटनी को बनाना, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए इसे घर पे। और अगर आपको बहुत अच्छी लगी ये रेसिपी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वो बिल्कुल फ्री है।